अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सब के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह पाक आपको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। आज की थंबनेल देख के आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज की वीडियो जो है किस बारे में है। आज हम केरल उनके तीन ऐसे शेड के बारे में बात करेंगे जो अगर आपके पास हों, अगर नहीं है तो आप लोग परचेज़ कर लें जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये जो केरल उनके तीन शेड आपको बताने लगी हूँ ना, ये इतने अमेजिंग है कि हर तरह की स्किन पे ये सूट भी करेंगे, हर तरह का मेकअप भी आप घर में बैठे कर सकती हैं। और पॉलर में भी यही होता है, जितने सारे पैसे आप लोग दे के लगाती हैं ना, अपने चेहरे पर लगवाती हैं, कौन सी स्टिक लगा दीजिए, इतनी अच्छी लग रही थी, इतना फेयर टोन था उसका, इतनी अच्छी कवरेज थी, लॉन्ग लास्टिंग थी, वाटर प्रूफ थी, हाय पार्लर वाली लगाती क्या है। तो इसके बारे में ही आप लोगों को आज डिस्कस करके बताऊंगी ये कौन सी स्टिक थी। ये स्टिक जी केरल उनकी ही होती है, उनके पास भी, बस आप लोग ये के देखते नहीं हैं, और देखते भी हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आती। तो ये छोटी छोटी वीडियोस जो होती हैं ये इनको देखा करें। और सबसे पहले हम करेंगे फेयर स्किन के बारे में, यानी फेयर स्किन से मुराद है फेयर कलर के बारे में, जिनका बहुत ज़्यादा कलर फेयर होता है उस पर कौन सा शेड लगेगा, उस पर केरल उनकी पेंट टीवी पेंट स्टिक जो है उसका कौन सा शेड हम अप्लाई करेंगे फेयर स्किन के वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग कॉपी पेंसिल अगर नहीं है तो आप लोग लेके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो शेड है ना वो आइवरी शेड है, आइवरी शेड आप लोग ले सकते हैं, जो फेयर स्किन पे हमारी बहनों की जो फेयर स्किन है ना, और अच्छा सा वो बेस बनाना चाहती हैं अपने चेहरे पे अपनी, यानी कि एक स्मूथनेस चाहती हैं, यानी कि उनका कलर थोड़ा सा वो अपना मीडियम टोन में लाना चाहती हैं, क्योंकि ज़्यादा फेयर कलर भी जो है ना ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मीडियम कलर जो होता है वो हर एक जो ना अच्छा लगता है। तो इसका आइवरी शेड लेंगे, उसके बाद हम कंसील आउट करने के लिए अगर चेहरे पर लगाना चाहें तो कंसील आउट के लिए इसका जो 36 नंबर है ना उसको हम लोग ले सकते हैं कंसील आउट करने के लिए, यानी कि अगर आप अपने चेहरे को करेक्टर लगाना चाहते हैं कोई भी, तो यानी कि आपका अगर अंडर आई एरिया जो है वो ब्लैक है, स्पॉट्स हैं आपके चेहरे, पिंपल्स के निशान हैं, किसी तरह भी आई थिंक कोई भी तिल वगैरह भी आप लोग कहते हैं ना वो गायब करना चाहते हैं, तो आप ये 36 का शेड आपने लेना है। जिस तरीके से मैंने स्वच्छ किया है हाथ पे उस तरीके से आप लोग देखें इसका शेड कितने अच्छा है और आसानी से लगने वाला, कोई मेहनत वाला काम नहीं, बस आपने जिस तरीके से लगाना है उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, अब ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा बेहतर है, स्पंज से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी जो नेचुरल ब्रशेज़ हैं ना, नेचुरल ब्रशेज़, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहली वाली वीडियो देखें कि नेचुरल ब्रशेज़ मैंने किनको कहा है, नेचुरल ब्रशेज़ मैंने अपनी फिंगर्स को ही कहा था कि ये जो ना इसकी ब्लेंडिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी। उसके बाद ये सेकेंड जो आता है वो मीडियम स्किन कहा था, यानी कि मीडियम जिनका कलर होता है हमारी बहनों का और वो कुछ फेयर करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो ना ये 38 शेड है, 38 नंबर शेड जो है ये मीडियम वालों के लिए ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसका बहुत अच्छा शेड है। और इसके अलावा आप लोग इसके पैनकेक यूज़ करें और उसके जो है ना आसानी से कोई फेस पाउडर वगैरह, वो तो बात का मसला आ जाता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ स्टिक के बारे में ही बता रही हूँ कि स्टिक कौन कौन सी आपने मिक्स करके लगानी है। जिनका मीडियम शेड है ना आप लोगों ने आइवरी और जो है ना 36 है ना वो आपने मिक्स करके लगाना है, ठीक है, आपने दो शेड मिक्स करके लगाना है ताकि आपके जो है ना चेहरे की जो कवरेज है ना बेस की वो बहुत अच्छी सी बन जाए। आप लोग वीडियो को देखा गया चाइनीज़ इसकी जगह, अगर आप लोग 36 की जगह पे आप लोग जैसे चाइनीज़ आ जाता है शेड, शेड का नाम है चाइनीज़, दूसरा वाला चाइनीज़ नहीं, जापान वाले चाइनीज़ का नहीं कह रही मैं आप लोगों को, ये चाइना वालों का नहीं कह रही, तो शेड का नाम है चाइनीज़, अगर आप लोग वो है आपके पास तो आप लोग वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो अपनी आई शेडो में से कोई भी आप लोग कलर ऑरेंज कलर लेके थोड़ा सा ये किसी भी बेस में मिक्स करके लगा लें, वो ये कि आपका कलर करेक्टर वो बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। देखें कलर से ही कलर बनाए जाते हैं, कोई घर से कोई भी नहीं बना के लाता, और बस कलर की ब्लेंडिंग करना या इस चीज़ को करना वो आप लोगों को खुद आना चाहिए। वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाती है, इस पर अमल किया करें, देखा करें अच्छे तरीके से, और घर में ट्राई भी किया करें ताकि आप लोगों को एक अच्छी सी बेस बनाना, जब बेस अच्छी बन जाएगी ना तो उस पर आप आई मेकअप भी अच्छा सा कर लेंगे, लिपस्टिक का भी अच्छा सा कर लेंगे, हर एक चीज़ आसान हो जाती है। ये वो तीन शेड ऐसे थे जो हर मस्ट होने चाहिए, हर घर में मस्ट होने चाहिए, अगर कोई ब्राइडल बॉक्स आप लोग बनवा रहे हैं ना अपनी बहनों के लिए या भाभियों के लिए तो ये तीन शेड लाजमी उसमें ऐड करवा लीजिएगा। ये तीन शेड इतने अच्छे हैं ना जो उनको ज़िंदगी भर याद रहेंगे कि हाँ जी हमारे ना ब्राइडल बॉक्स में ये चीज़ें आई थी तो ये कि हमारे काम की आई। उस पर डार्क स्किन वालों के जिनका कलर ब्रिटिश कलर जैसे कहते हैं ना ब्रिटिश कलर जिनका होता है थोड़ा सा नहीं डार्क शेड में आ जाता है उनके लिए बता देती हूँ आपको ये कौन सा कलर उन पर सूट करेगा। इनके लिए आप लोग आइवरी और ये जो चाइनीज़ का जो मैंने बताया था 36 ले लें, हाँ 36 और आइवरी को आपने मिला के लगाना है, ठीक है 38 भी ऐड कर सकते हैं लेकिन 38 ये कि थोड़ा सा उस क्योंकि 38 का जो कलर है ना वो थोड़ा सा दरमियाने में चला जाता है तो हमने ब्रिटिश के को वो कलर को सही करने के लिए दो शेड आइवरी और 36 को मिला के हमने इस पर कवर करना है।
ठीक है, ये दो कलर आप लोग ये देख लें, तीनों शेड आप लोगों के सामने शो है किस तरीके से हैं। आइवरी, ये 36 को हमने कंसीलर की जगह पे यूज़ करना है, उसके बाद आइवरी आप यूज़ करें। आइवरी का ये होता है कि बहुत ज़्यादा फेयर जो है ना कलर आपको फ़ौरन शो हो जाता है, ज़्यादा मेहनत करने वाला काम नहीं होता, नहीं तो वो दो से तीन शेड मिलाओ फिर मिनरल बेस बनाओ और फला फला पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ता है, क्या क्या लगाना पड़ता है। इसलिए दो जो आसानी वाले शेड हैं ना आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ठीक है। फेयर स्किन के लिए आपने जस्ट आइवरी रखना है, उसके बाद आपके मीडियम स्किन आ जाती है यानी गंदुमी कलर जो होता है वो, उसके लिए आपने दो शेड मिक्स करने। और ये जो 508 नंबर जो है ना, ये इसका चाइनीज शेड आ जाता है, ये अगर आप लोग लेना चाहें तो ऑप्शनल है ये, इसका कोई वैसे मसला नहीं है। आप लोगों का बनाना चाहते हैं आई शेडो से अपना कलर करेक्टर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। तीन शेड आपके पास होना तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आपका मेकअप भी आसान हो जाएगा, आपका पार्लर का खर्चा बचेगा और बहुत कुछ हो जाएगा। जब आपकी बेस अच्छी बनेगी ना तो आपको आई मेकअप करने में इतने कोई घंटे नहीं लगते, और आई मेकअप आसान आई मेकअप जो है यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग देख के आसानी से अपनी बहनों का अपनी कज़न आपस में मिलकर एक दूसरे का कर सकती हैं। तो ये जी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, इतना बोलना पसंद आएगा, इतना जो है ना बर्दाश्त करना पसंद आएगा, तो इसे लाजमी आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन बहनों को लाजमी शेयर कीजिएगा जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है और जिनके घर में शादी का फंक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। तो ये ब्राइडल बेस के वो शेड थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि ये वो शेड हैं जिनसे ब्राइडल मेकअप भी होता है और जिनका जैसा भी कलर हो, गोरा हो, काला हो, गंदमी कलर, जैसा भी कलर हो, हर तरह का मेकअप आप लोग उससे कर सकते हैं ये तीन बेसों से। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें लगती हैं वो अगली वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करूंगी, कौन सा पैनकेक अच्छा है, कौन सी कंपनी का होना चाहिए, कौन सा रिजनेबल रहेगा यानी कि कौन से कम प्राइस में आता है, कौन से ज़्यादा प्राइस में आता है। तो क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात ये कि जेब के खर्चे के मुताबिक हमने चलना है और जब जेब इजाज़त देगी तो उसके मुताबिक हमने चीज़ें लेनी होती हैं। ये तीन शेड अगर आपके पास है ना बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा में तो बहुत सारे शेड इसके बहुत ज़्यादा आते हैं, शेड तो बहुत सारे हैं लेकिन ये तीन शेड आपके साथ मैंने इसलिए डिस्कस किए कि ये तीन शेड आप लोग लेके रखें आपके घर में, ये के होने चाहिए आप, क्योंकि आप कहीं भी ये नहीं ज़रूरी कि शादी ब्याह के ही हिसाब से यूज़ सकते हैं, आप कहीं पार्टी वेयर भी जा रहे हैं, आप कहीं के दावत पे जा रहे हैं या कहीं तफरी भी जा रहे हैं तो आप ये हल्की सी स्टिक यूज़ करें अपने चेहरे पर और इतनी अच्छी कवरेज होगी, लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ की गारंटी तो मैं आपको दे रही हूँ खुद, लेकिन आप लोग इसे लगा के लाजमी खुद यूज़ कीजिएगा ताकि आप लोगों को वाटर प्रूफ की गारंटी जो ना आप खुद दें कि हाँ जी हमारे बेस वाकई वाटर प्रूफ है। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अब अल्लाह हाफिज़ कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे अल्लाह हाफिज़।